आपने शायद अब तक 5,000 या 10,000 तक की ही शराब की बोतलें देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में शराब की ऐसी भी बोतलें हैं जिनकी कीमत लाखों में है। जी हाँ, यूरोपीय देश हंगरी के प्रमुख पर्यटन स्थल टोकच के शराब उत्पादकों ने एक ऐसी वाइन तैयार की है जिसके 1.5 लीटर की एक बोतल की कीमत करीब 28,41,000 रुपए है। इसे दुनिया की सबसे महंगी वाइन बताया जा रहा है। इस शराब का नाम इंसेसिया 2008 डिसेंटर है। इसके अब तक मात्र 20 बोतलें ही तैयार की गई हैं, जिनमें से 18 बोतलों को पिछले साल रिलीज किया गया था। इसके बाद से ही इसे दुनिया की सबसे महंगी शराब माना जाने लगा। इस शराब की 11 बोतलें अब तक बिक चुकी हैं। खास बात यह है कि इस शराब की प्रत्येक बोतल को एक चमकदार काले रंग के बॉक्स में रखा गया है, जिसमें एक स्विच लगा होता है जो बोतल को और भी चमकदार बना देता है। इसकी एक और खास बात है कि कोई भी बोतल एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, यानी सबको अलग अलग तरीके से और विशेष रूप से बनाया गया है। इस शराब की एक्सपायरी डेट वर्ष 2300 है, यानी इसे अभी लोग लगभग 80 साल तक चाहें तो सहेज कर रख सकते हैं। यह शराब साल 2008 में तैयार हुई थी, जिसे कई सालों के बाद बोतल में पैक किया गया। इसे बनाने वाली कंपनी के जनरल मैनेजर जोल्टन कोवाक्स के मुताबिक इंसेसिया 2008 वाइन तैयार होने के 8 साल बाद बोतल में पैक होने के लिए सही मानी जाती है। जोल्टन कोवाक्स के मुताबिक इस शराब को खास मौसम में ही बनाया जाता है और एक छोटे चम्मच के बराबर मात्रा में इसे बनाने में करीब 1 किलोग्राम पके हुए अंगूर का इस्तेमाल किया होता है। यानी अगर एक बोतल शराब बनानी हो तो इसके लिए करीब 20 किलोग्राम अंगूर की जरूरत होती है। इसकी 37.5 सेंटीमीटर की एक बोतल में 3% अल्कोहल होता है। इसमें अधिकतम 4% ही अल्कोहल हो सकता है, जो अन्य वाइन के मुकाबले ज्यादा है।